हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो टॉपिक है ये मैंने लिखा है इमोशनल वर्सेस प्रोफेशनल इन रियल स्टेट बिजनेस। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी ये दिया है कि आप यदि आप कोई फैक्ट्री चला रहे थे, किसी टाइम फैक्ट्री बंद हो गई है और वो मतलब वो काम नहीं कर रही, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बेच देना चाहिए, उसमें इमोशंस डाल के वेट करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितनी देर तक आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, आपको लेबर के खर्चे पड़ेंगे, बिजली के खर्चे पड़ेंगे और हो सकता है बैंक का ब्याज भी पड़ता रहे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। यही मैंने एक दोस्त इसमें केस स्टडी जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, ये भी आपके साथ जरूरी इसलिए मैंने समझा कि ये जो प्रॉपर्टी है मैंने पहले लिखी है, मोहाली चंडीगढ़ से रोपड़ को रोड जा रही है और कुराली शहर के बीच में 57x133 की पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी जो ज़्यादातर बंद रहती थी और बंद रहती थी वो वहाँ पर लिखा था प्रॉपर्टी फॉर सेल। अब प्रॉपर्टी फॉर सेल लिख के मेरे जैसे बंदे पढ़ के निकल जाते थे आगे, लेकिन प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते थे कि अंदर से कैसी है, ये काम आने वाली है या नहीं काम आने वाली, या किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, इसका मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो फिर एक दिन किसी बंदे को अंदर से दिखाने के बाद उसने देखा, इसमें सिस्टम बनाया कि ये हाथी की तरह, जिसको बोलते भी जीवित हाथी 1 लाख का है और मरा 2 लाख का है। तो उसने इस बिल्डिंग को तोड़ दिया, 57 फुट का फ्रंट था और 133 पीछे को थी। उसने इस तरीके से इसमें मतलब 30 फुट की रोड दे के, ये 30 फुट की रोड दे के ऐसे दुकानें निकाल दी, 13 दुकानें निकल गई। ये 1 करोड़ रुपये की डील थी सारी, और ये जो दुकानें हैं दुकानें बिकी 15-15 लाख रुपए की, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ 65 लाख। अब यदि वो मालिक जिसकी ये प्रॉपर्टी थी यदि वो इसको पहले तोड़ देता, उसमें इमोशन ना होते, उसमें ये ना होता कि मेरे पिताजी ने बनाई थी जी, ये मेरे पिताजी ने ये करा था, तो वो यदि तोड़ देता तो ये इसमें ये पोजिशन उसकी भी निकल जाती। बहुत सिंपल था, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बाहर से आपने बिल्डिंग है 2 मंजिल बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, अंदर जाता नहीं आदमी, जब वो टूट गई, टूटने के बाद वो सारे का सारा प्लॉट दिखना शुरू हो गया और दिखने के बाद लोगों का दिमाग लगना शुरू हो गया। जब वो लोगों का दिमाग लगा तो ये उसने 1.65 करोड़ की वो प्रॉपर्टी बेच दी जो 1 करोड़ में 3 साल से नहीं बिक रही थी। सो आपने इमोशनल डिसीजन ऐसे नहीं लेने। यदि आपने प्रॉपर्टी को सेल करना है तो इस तरीके की जो बिल्डिंग कहीं बनी हुई है या और कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको तोड़ के प्लॉट को साफ करने की कोशिश करनी है। कई मैंने देखा है आसपास में बाढ़ वगैरह करी होती है उसमें, तो वो उसमें प्रॉपर्टी छुपी रहती है, तो लोग आते हैं देखते हैं उनको पता ही नहीं लगता। क्योंकि आप जैसा IQ हो सकता है हर बंदे में ना हो, हर बंदे का तो डिसीजन ये रहेगा जो उसको दिखेगा, जो उसको उसकी कैलकुलेशन में आएगा, जो उसको पसंद आएगा वो ले लेगा। और दूसरी केस स्टडी ये मैंने राजपुरा की लिखी है, चंडीगढ़ से राजपुरा रोड जा रही है और ये 32 फिट फ्रंट है और 97 फिट पीछे को है, और ये पीछे इसका तकरीबन ये है 32 फिट की रोड इसको और लग रही है। अब ये पुरानी बिल्डिंग किसी टाइम में बैंक में किराए पे चलती थी, वो बैंक शिफ्ट होके कहीं और चला गया और ये खाली की खाली पड़ी है, मार्केट के बीच में है। तो ये जो प्रॉपर्टी है यदि हम इस प्रॉपर्टी को भी एज इट इज़ बेचेंगे तो लोगों को इसमें जो फीलिंग आनी चाहिए, जो उसको फील करना चाहिए प्रॉपर्टी को, जो अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही। कब आएगी? जब ये जो जर्जर बिल्डिंग है जिस दिन ये टूट जाएगी तो उस दिन इसमें कुछ भी निकल सकता है। पीछे भी 30 फुट की रोड है और आगे इसकी मेरा ख्याल 100 फुट से भी ज़्यादा की रोड है। सो हमने ये डिसीजन है, ये मैंने जब उनसे पूछ रहा हूँ कि ये आप इसको तोड़ दो यार, नहीं जी हम तो नहीं तोड़ सकते, हम तो बेचेंगे क्योंकि हमारे पिताजी ने बनाई थी, हमारे दादाजी ने बनाई थी, तो इसमें हमारे इमोशन जुड़े हुए। ठीक है, इमोशन जुड़े हैं, ठीक है भाई, अब आप इमोशन के पीछे लगे रहो और जो आदमी लेगा इसमें से वो इसको तोड़ के जब पैसे बेचेगा के उसमें से पैसे कमाएगा। सो इस तरीके के इमोशन हैं जो उनको हमने सेट असाइड करना है, क्योंकि वी आर बेसिकली बिजनेसमैन, हमने तो पैसे के लिए जो काम कर रहे हैं तो पैसे के हिसाब से चल रहे हैं, इमोशंस का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो सिंपल ये आपने ध्यान रखना है, यदि आपके पास भी इस तरीके की प्रॉपर्टी है तो इस तरीके के आपने डिसीजन जल्दी से जल्दी ले लेने हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के इसको वीडियो को एकदम शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा।